फिर जब आपकी LLC रजिस्टर्ड हो जाती है तो यू कैन चेक ऑनलाइन थ्रू द स्टेट डिपार्टमेंट, वो आपकी जो कार जो LLC है या कॉरपोरेशन है, यू कैन चेक वो उसका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसे देखने के लिए उसका स्टेटस एक्टिव है इनएक्टिव है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको फौरन आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद EIN नंबर आ गया, वो आपने ले लिया। वो जब नंबर लेंगे उसके बाद आपका ये सेल्स एंड यूज टैक्स का आ गया। मोस्टली मेरा ख्याल जो सो फार माई अंडरस्टैंडिंग इज Amazon जो है दे कलेक्ट टैक्स ऑन योर बिहाफ एंड दे पैस ओवर टू द स्टेट। सो ये नंबर उन्हें चाहिए होता है, लेकिन यू डोंट फाइल द टैक्सेस एवरी मंथ और समथिंग लाइक दैट। हाँ, आपको फिर डाउन अबाउट द पर्सनल टैक्सेस, आपने EIN नंबर आपके पास आ गया, LLC रजिस्टर्ड हो गई है, आपके पास सेल आपने सेल्स एंड यूज टैक्स का वो सर्टिफिकेट ले लिया, ये स्टेट करती है और EIN फेडरल गवर्नमेंट आपको वो नंबर देती है। अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट यहाँ के आदमी वहाँ पे उसे करना, उसके लिए फिर हमें एक जो हमने जो ढूंढ सके कि ये कैसे हो सकता है, दिस इज द ओनली थिंग विच वाज बादरिंग एवरीबॉडी, हाउ वी कैन हैंडल दिस थिंग। तो वी गॉन थ्रू अटर्नी एंड ऑल द CPA एंड देन द स्टेट विद आवर स्टेट, वी चेक विद एवरीथिंग एंड फाइनली वी केम आउट लीगली वी हैव टू हैव मैनेजर दे आर इन द US। तो वो फिर हमने उसका अरेंज किया और उसका ये है कि वो ही चार्ज मंथली नॉट टू मच मे बी कपल ऑफ $100, और वो सारा फिर टेक केयर करेगा आपकी मेल की, आपके बैंक अकाउंट की और ये सारी चीजें जो है। प्लस इफ यू हैव टू फाइल द टैक्सेस, यू नो यू हैव अमेरिकन LLC या इनकॉर्पोरेशन, तो उसका आपको टैक्स भी वहीं फाइल करना पड़ेगा। जब आप वहाँ बिजनेस का टैक्स वहाँ फाइल करेंगे वो मोस्टली क्वार्टरली होता है या ईयरली होता है, मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टरली वो कहते हैं इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेक जो वो टैक्स वगैरह है वो आपका इतना क्यूमुलेट नहीं हुआ होता, लेकिन आप ईयरली भी कर सकते हैं। तो मैंने सारी उम्र अपना जो है वो मैं ईयरली करता रहा हूँ। यू डोंट हैव एनी एम्प्लॉय सो यू डोंट नीड टू फाइल द यू नो एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस एंड ऑल दोस थिंग, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड ईयरली। अदर इफ यू हैव सम एम्प्लॉयज दे आर लाइक स्पेशली मोर देन 3 employees, then you have to file taxes every quarterly. तो ये बात भी क्लियर होगी। अब जो टैक्सेस आपका, अब ये सारा सिस्टम आपका जब चल गया तो उसके बाद आप ईयरली टैक्स फाइल करते हैं, उसमें आपका कॉर्पोरेशन का या आपकी LLC का टैक्स जो है वो आप फाइल करेंगे वहां पे, वो करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दैट बिकॉज यू हैव अमेरिकन, नो यू ओन द अमेरिकन LLC। उसके बाद ये है कि बाकी एक और चीज मुझसे वो ये आजकल क्वेश्चन होता है कि ITIN नंबर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ITIN नंबर। ये एक ऐसा नंबर एक है आई टैक्स की, ये ID है, जैसे जो US सिटीजन हैं या जो US में लीगल रेजिडेंट होते हैं उनका, उसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड EIN नंबर दे बोथ आर लाइक 9-digit नंबर्स ऑल टुगेदर, अगर इनके डिजिट काउंट करें तो वो 9 बनते हैं। तो अब ITIN एक नई चीज अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये आई बिलीव दे इंट्रोड्यूस इन ईदर इन 2016 और 17, वेरी रिसेंटली दे स्टार्टेड। वो लोग जो लोग वहाँ टैक्स फाइल नहीं कर सकते थे, जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं है, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है या कोई लीगल स्टेटस नहीं है या वो US सिटीजन नहीं है, तो उन्होंने अगर टैक्स फाइल करना चाहें तो वो अपना पर्सनल टैक्स अंडर ITIN नंबर के थ्रू जाके कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट रिकमेंड, यू डोंट नीड दैट, व्हाई यू शुड पे यू नो डबल टैक्स टैक्सिंग योरसेल्फ।
आप एक दफा कॉरपोरेशन का वहाँ पे कर लें, और चूंकि आप पाकिस्तानी सिटीजन है तो अपना दूसरा जो ईयरली इनकम रिटर्न का जो है या इनकम टैक्स जो आपने ईयरली पे करना है वो अपने मुल्क में कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होगी। इसके अलावा मेरा ख्याल है ये इट कवर द यूएस पार्ट हाउ इट वर्क फीसेस उसके चार्जेस उसकी सर्विसेज ऑल दीज क्वेश्चन में बी मिस्टर जीम कैन आंसर बेटर देन मी ही नो ऑल द यू नो स्टेप बाय स्टेप व्हाट आर द फीसेस एंड व्हाट वी चार्ज एंड व्हाट इज दैट। इसके अलावा अगर आपको किसी कोई और क्वेश्चन हो अबाउट यूएस आई एम हियर no problem you can ask now or you can ask later on as long as you know my stay I'm here you know maybe another for some time to iske baad thoda sa e-commerce mein ye aap amazon ka account ebay ka account ye sara kuch ho jayega iske sath ye bhi ye aapka hum khol denge ye jo amazon ka account hai और अंडर यूर एल एल सी नेम और अंडर यूर नेम और ई बे बी शॉपिफाई और उसके बाद एक और थिंग हम अक्सर मिस कर जाते हैं ड्रॉप शिपिंग इज अनदर गुड ऑप्शन फॉर अस पाकिस्तानी या किसी के भी लिए क्योंकि वो इट इज द आई बिलीव चीपेस्ट वे टू गो इनटू द ऑनलाइन बिजनेस क्योंकि उसमें ये है कि आप लेट्स से आई एम यूजिंग वन एग्जांपल लाइक अली एक्सप्रेस इफ यू हैव योर ओन वेबसाइट एंड यू जस्ट हैव अकाउंट विद अली एक्सप्रेस यू नो समबडी बाय द स्टफ फ्रॉम योर वेबसाइट बट इट गोना बी डिलीवर्ड एंड इट गोना बी मेड from the you know your vendor whoever is the vendor ali I believe ali express is the best choice kyunki they have everything you can go through and they offer this service drop shipping it called drop shipping so you don't spend any money whenever aapki koi aapki website se ek koi let's say pair of shoes aapke big gaye hain wahan se aapke account mein paise aayenge let's say aapne sold kiya $60 ke और आपने भाई जो अली एक्सप्रेस से जिन आपकी जो डील है वो $30 है तो आप उन्हें $30 भेजेंगे प्लस एक नोट के साथ एड्रेस उस आदमी का भेज देंगे जिसने आपसे बाई की है तो वो स्ट्रेट यू नो फ्रॉम द अली एक्सप्रेस फ्रॉम चाइना और पाकिस्तान व्हेयरएवर यू नो द मैन्युफैक्चरर होलसेलर जहाँ भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं इवन विद इन यूएस वो वहाँ भी बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो ऑफर कर देती हैं तो आप एक ये भी कर सकते हैं उसमें अपना पेपाल अकाउंट यूज कर सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड की ये चार्ज वार्ज करने का ये कोई इट इज ईजी थिंग तो आप अपनी वेबसाइट पे ये सारा कुछ भी कर सकते हैं उसमें ये है कि आपको मे भी ये सारे चार्जेस से बच जाते हैं ये जो यू नो फीसेस वीसेस हैं क्योंकि जस्ट यू हैव टू मेंटेन योर वेबसाइट और उससे आगे वो जो है शिपिंग विपिंग वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर उसके बाद बाकी वॉलमार्ट वगैरह उसके लिए आई बिलीव समबडी हैज टू बी देयर तो इसलिए मैं उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा और इसके अलावा अगर अजीम साहब इफ आई कैन हेल्प एनी वे और एनी बॉडी हैव एनी क्वेश्चन आई एम हियर यू कैन आस्क मी आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन विद वेरी लिटल नॉलेज मे बी बट आई एम हियर आई एम अवेलेबल नाउ थैंक यू वेरी मच यू ऑल हैव वंडरफुल इवनिंग इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन एंड रेस्ट ऑफ द वीक यू एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द वीक माशाल्लाह इट वाज वेरी वेरी मच इंफॉर्मेटिव और डेफिनेटली विदाउट योर कोऑर्डिनेशन इट वाज नॉट पॉसिबल सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो यू कैन ज्वाइन आवर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस और यू कैन कम टू आवर एजुकेशनल सेंटर टू गेट फेस टू फेस ट्रेनिंग्स वी ऑल्सो प्रोवाइड बिजनेस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड सेल्स सर्विसेज जिसमें हम आपके कारोबार को आपके बिजनेस को कामयाब करके देते हैं काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 03200004536